फ्रेंड, नया वीडियो में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो में बनाने जा रहा हूँ तो स्ट्राइक क्या है, स्ट्राइक जो होता है ये क्या चीज़ है, कैसे आता है और कहाँ पे दिखता है, ये एक्चुअली जो वार्निंग स्ट्राइक होता है वो क्या है, और स्ट्राइक जो होता है या वार्निंग स्ट्राइक कोई भी हो वो डिलीट होता है क्या, उस बारे में आज पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो वार्निंग स्ट्राइक कब आता है, ये वार्निंग स्ट्राइक जो है आने के अगर आपको मिलता है तो आपको ध्यान में रखना कि ऐसा कुछ वीडियो आप लोग अपलोड करोगे कि YouTube का जो गाइडलाइन होता है उसको आप छेड़खानी करोगे, मतलब इस्तेमाल दूसरा तरीके से इस्तेमाल करोगे कि YouTube का जो गाइडलाइन दिया है और पूरा जो डिटेल्स दिया है अगर उस हिसाब से आप वीडियो को नहीं अपलोड करोगे तब स्ट्राइक मिल सकता है। और स्ट्राइक का जो मतलब है, अगर आपको 3 स्ट्राइक मिलता है 3 महीने के साथ, मतलब 3 महीने के अंदर अंदर 3 स्ट्राइक आपको मिलता है तो आपका जो चैनल है आप पूरा डिलीट हो सकता है। ठीक है, तो आपको जो ये स्ट्राइक है, अगर आपका जो फेस अकाउंट है, आपका जो अकाउंट है कभी भी स्ट्राइक ना आए तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। फर्स्ट उसका लिए आपको जो करना चाहिए, यूट्यूब का जो गाइडलाइन है वो आपको ध्यान से समझना चाहिए और पढ़ना है, और उसके थ्रू ही आपको वीडियो अपलोड करना चाहिए। ऐसा नहीं आपका गाइडलाइन नहीं फॉलो किया और उसके जो गाइडलाइन के खिलाफ है उसका आप वीडियो अपलोड कर दे रहे हो तो उसके हिसाब से आप स्ट्राइक है वो आपको आ सकता है। अगर एक चैनल पे आपका 3 स्ट्राइक आ जाता है तो आपका जो चैनल है वो डिलीट हो सकता है। ठीक है, और 1 साल या 2 साल के बाद पहले की बात कर रहा हूँ कि YouTube ने अपडेट दिया है, पहले तो 3 स्ट्राइक था, और 1 साल पहले की बात बोल रहा हूँ कि वो स्ट्राइक थोड़ा बढ़ा दिया है, 3 स्ट्राइक था उसके 4 स्ट्राइक हो गया है। तो वो कैसे होएगा आप लोग पाए मिलेगा आपको स्ट्राइक, जो पहले वाला जो स्ट्राइक है आपको वार्निंग स्ट्राइक मिलेगा, पहले 1 काउंटिंग नहीं होगा, पहले जो आएगा आपको स्ट्राइक आएगा वार्निंग स्ट्राइक। ठीक है, तो वार्निंग स्ट्राइक मिलेगा, फिर आपको कोई ऐसा मतलब वार्निंग स्ट्राइक मिलता है ऐसे तो पहले वाला काउंटिंग जो होगा वो वार्निंग देगा आपको स्ट्राइक के थ्रू। ठीक है, तो दोबारा जो मिलेगा वो 1 होगा, फिर होगा 2, बाद में होगा 3। अगर 3 स्ट्राइक मिल जाता है 3 महीने के बाद तो आपका चैनल परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हो। जितना बड़ा आपका चैनल हो वो नहीं देखेगा कि आपका चैनल बड़ा है या छोटा है, कुछ नहीं देखेगा। अगर 3 महीने के अंदर आपका 3 स्ट्राइक मिल जाता है तो आपका चैनल बर्बाद होगा, मतलब डिलीट हो जाएगा। और वार्निंग स्ट्राइक हो, पहले यूट्यूब क्या कर रहा है कि यूट्यूब ने जो वार्निंग स्ट्राइक दिया, जो पहला अगर जो यूट्यूब डाल रहे हो मतलब वीडियो डाल रहे हो तो डालने के आपको जो ये वार्निंग स्ट्राइक, मतलब आप समझ ले सकते हो कि वो वार्निंग स्ट्राइक है, आपको तो एक बार छोड़ दे रहा है ऐसा स्ट्राइक, मतलब परमानेंटली है। पहले तो 3 था, 3 स्ट्राइक मिल गया तो पूरा डिलीट हो जाता है, 1 बढ़ा दिया 4 कर दिया और वो वाला 4 नहीं, पहले वाला वार्निंग स्ट्राइक में डाल दिया। ठीक है, वो काउंटिंग में नहीं पकड़ में आएगा आपको, बस पहले जो है वार्निंग स्ट्राइक में आएगा, वो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन आपको वो जो है स्ट्राइक वो आप कभी भी डिलीट नहीं कर सकते और रिमूव भी नहीं कर सकते, वो परमानेंट आपका चैनल जब तक रहेगा वो वार्निंग स्ट्राइक भी आपको यहीं पे रहेगा। तो भी आप लोगों को मैं प्रैक्टिकली इस वीडियो में दिखाऊंगा, मेरा एक चैनल है तो उसमें भी वार्निंग स्ट्राइक आया है और वो जो स्ट्राइक है अभी तक नहीं हटाया। ठीक है, तो वो भी आप लोगों से मैं डिस्कस करूंगा अभी। और जो बात है स्ट्राइक जो, अगर ऐसा मत कोई वीडियो आप लोग अपलोड करो कि स्ट्राइक ना आए, अगर स्ट्राइक आ जाता है आप जितना बड़ा भी चैनल हो सकता है तो वो भी डिलीट हो सकता है। तो ऐसा कंटेंट मत चूज़ करो कि वो स्ट्राइक आ सकता है। आप जिस कंटेंट में आप वीडियो बनाना चाहते हो उसको पहले से आपको जानकारी होना चाहिए कि यूट्यूब में वो स्ट्राइक होता है क्या नहीं होता है। अगर स्ट्राइक आ जाता है तो उसमें तो आपको डिलीट ही करना पड़ता है वो जो वीडियो है। अगर वीडियो डिलीट नहीं कर सकते हो तो वो तो आपको ऐसे भी स्ट्राइक देगा, अगर डिलीट कर सकते हो तब भी स्ट्राइक देगा। ठीक है, तो आपका जो स्ट्राइक कैसे आता है, कहाँ पे दिखता है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि आपका कोई दोस्त का यूट्यूब का चैनल है उसमें 2 या 1 स्ट्राइक मिल गया है। ठीक है,
तो आपको कहाँ से वो दिखने मिलेगा आज इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। तो मेरा जो चैनल है उसका आपका सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर सब्सक्राइब किया है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलो मेरा मोबाइल स्क्रीन पे जाते हैं और जो स्ट्राइक कहाँ पे दिखता है वो आप लोगों को दिखाता हूँ अभी, ठीक है? चलो देखते हैं। तो अभी जो है मैं मेरा मोबाइल स्क्रीन पे हूँ, ठीक है? तो आपको जो वार्निंग स्ट्राइक और स्ट्राइक जो मिलता है तो वो कहाँ पे मिलता है, तो आपको जो यूट्यूब का जो ऐप है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये नीचे में जो यूट्यूब, इसमें आपको नहीं दिख पाएगा कि वार्निंग स्ट्राइक मिला है कि नहीं मिला है, आपको ये ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। आपको वार्निंग स्ट्राइक या स्ट्राइक देखने के लिए आपको जो Y2 स्टूडियो है तो उसमें जाना है। तो मैं अभी जाऊँगा Y2 स्टूडियो पर। देखिए यहाँ पे है मेरा Y2 स्टूडियो ऐप, तो इसमें ओपन करूँगा अभी, ठीक है? तो ओपन करूँगा और देख यहाँ पे देखिए मेरा वो Y2 स्टूडियो आपको डिस्प्ले की स्क्रीन पे है। और आपको जो करना है यहाँ पे जाने के बाद आपको जो वार्निंग स्ट्राइक दिखने को मिलेगा, आपको जो डैशबोर्ड है तो डैशबोर्ड में आपको मिलेगा वार्निंग स्ट्राइक, ठीक है? मैं यहाँ पे देखिए नीचे में डैशबोर्ड में मैं अभी तक हूँ और यहाँ पे जाके आपको जो यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे देखिए मेरा जीरो है, जो इसका फोटो है, फोटो के नीच साइड में है जीरो नोटिफिकेशन अभी है। तो आपको जो करना है यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको क्लिक करना है और अभी जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए कि गाइडलाइंस जो है कम्युनिटी गाइडलाइंस यहाँ पे नोटिसमेंट आपको मिल जाता है। कम्युनिटी गाइडलाइंस है वार्निंग योर कॉन्टैक्ट लेटेस्ट मूवी, कुछ मूवी की टैप का कुछ बारे में आप, मैंने जो वीडियो अपलोड किया था वो जो था मैं गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया था तो तब लेके आया था, तो ये 2 वीक हो गया है। तो इसमें देखिए आपके कॉन्टैक्ट जो मैंने डिलीट कर दिया हूँ अभी, तो वार्निंग स्ट्राइक भी है, कॉन्टैक्ट डिलीट कर दिया है। दिस इज़ जस्ट ये वार्निंग, If you haven't given your channel will get a strike. I found it something is in the violate YouTube. So YouTube guidelines to help to keep your community safe, your removed ID. In the next 2 steps, will ask you to take your look and your content and this policy. If you like your approval in the appointment review content again. तो ये कह रहा है कि YouTube का जो गाइडलाइंस है उसके खिलाफ मैंने कुछ वीडियो अपलोड किया है इसलिए एक वार्निंग स्ट्राइक दिया है। तो आप लोगों को जो करना है ऐसा कुछ नहीं करना, आपका जो YouTube का गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना है और अच्छे कंटेंट पे आपको वीडियो बनाना है। और ऐसा नहीं करोगे तो आपको ऐसे टाइप का वार्निंग आपको मिलेगा, पहले तो वार्निंग देता है और वार्निंग के बाद में आपको मिलेगा 1 strike 2 strike 3 strike। जब 3 strike आपको कंप्लीट हो जाता है तो आपको फुल्ली आपका जो यूट्यूब चैनल है वो पूरा टोटली डिलीट हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है? और बढ़िया है, कोई बात नहीं है ऐसा तो, ठीक है, ओके। तो आपको ये वीडियो जो कैसे लगा तो कमेंट करके बताइए और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट यूट्यूब का रिलेटेड अगर अनबॉक्सिंग कुछ आप लोग देखना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। तो वॉचिंग करने के धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।